हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तवरेज। आप देख रहे हैं तवरेज है यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले एक 12 वोल्ट पावर सप्लाई जो कि ट्रांसफार्मर लेस होगी और आपके बहुत ही कम पैसों में बन जाएगी। तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो सामान लिया है वो लिए हमने डायोड, 4007 डायोड है ये। ये 1 रुपये का एक मिल जाता है, अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से सबसे आप इसे खरीद सकते हैं। तो इसको हमें 4 लेना है। तो 4, ये अपनी सिल्वर वाली पट्टी देख रही हैं, सिल्वर वाली पट्टी वाली साइड इन्हें आपस में जोड़ देना है इस तरीके से। और जो ब्लैक वाली पट्टी वाली साइड है, ये वाली दोनों की, वो ब्लैक वाली पट्टी वाली साइड है, खाली वाली साइड में भी जोड़ देना है। जो अपनी सिल्वर पट्टी होती है वो पॉजिटिव होती है और जो काली वाली होती है नेगेटिव होती है। और इस तरीके से आप इसे जोड़ देना है, देख सकते हैं आप, एक बार ब्लैक वाली और एक सिल्वर वाली। तो हमारा ये बन जाएगा ब्रिज रेक्टिफायर जो कि डीसी वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है एसी को। तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अभी आप इसे देख लीजिए जो मैं पावर सप्लाई बना रहा हूँ। इस तरीके से अब जो बचे हैं इसमें काट देते हैं आगे के, देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है। और यह कैपेसिटर, ये 125 जूल का कैपेसिटर है 400 वोल्ट का, और ये 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप पे मिल जाएगा, 5 रुपये का मिलता है और रेजिस्टेंस 1 रुपये की। तो आपको इसमें इस तरीके से कनेक्ट कर देना है इसको, ये देख सकते हैं आप, और बाद में आप इसको सोल्ड कर दें। जो मैनुअली जो कनेक्ट कर रहा हूँ हर चीज़, उसे बाद में सोल्ड कर देता हूँ। तो आप ये मत समझना कि मैंने सोल्डिंग नहीं की है, मैं वीडियो जल्दी बनाने के लिए आपको जल्दी ऐसे इसी तरीके से कनेक्ट कर कर दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसे सोल्ड कर देना, ये किसी भी साइड आप से लगा सकते हैं कैपेसिटर को, जो जहाँ पर एसी देना है उसी साइड लगाना है और डीसी वाली साइड पर नहीं लगाना है। और ये 5 रुपये का ये कैप, 1-2 रुपये का मिलता है कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप पर, इसको आपको ले लेना है। ये आपकी पट्टी वाली साइड दिख रही है, ये नेगेटिव साइड है, तो आपको ये नेगेटिव और पॉजिटिव देख कर लगाना है। मैंने जैसे बताया था सिल्वर पट्टी वाली साइड पॉजिटिव होती है और ब्लैक वाली नेगेटिव। तो डीसी यहाँ से अपना निकलेगा, वहाँ से आपको लगा देना है, यहाँ साइडों में देख सकते हैं आप। और ये है जीनर डायोड, तो इसकी जो ब्लैक वाली साइड आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव वाली साइड है। तो जो पॉजिटिव वाली साइड है हम आपके अपने डायोड जो डीसी वोल्टेज जहाँ से लेंगे वहाँ पर पॉजिटिव में इसे कनेक्ट कर देंगे। ये 3 वोल्ट का भी मिलता है और 12 वोल्ट का, और हर वोल्टेज का ये मिलता है। तो मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई बनाई तो मैंने इसमें 12 वोल्ट का लगाया है। अगर आप इसे 6 वोल्ट की बनाना चाहते हो तो आप 6 वोल्ट लगा सकते हैं, और 3 वोल्ट अगर बनाना चाहे तो 3 वोल्ट की भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसे लगा देना है। यहाँ से हम डीसी वोल्टेज लेंगे, यहाँ से हम एसी देंगे, इन दोनों में, इन दोनों से डीसी और इन दोनों से एसी वोल्टेज देंगे। इसके लिए आपको इसको वायर से इस तरीके से कनेक्ट कर दें, मेन वायर है जो आपके, ये देख सकते हैं आप, ऐसे आपको कनेक्ट कर देना है। कैपेसिटर में कोई माइनस प्लस नहीं होता क्योंकि हमें एसी दे रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्ट इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। और यहाँ से अपने डीसी वोल्टेज लेंगे। तो जो ब्लैक वाली साइड है वहाँ से नेगेटिव, और सिल्वर पट्टी वाली साइड है जो डायोड की, वहाँ से अपन पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो हमने जीनर लगाया है, ये बिल्कुल परफेक्ट 12 वोल्ट में रेगुलेट कर देता है वोल्टेज को, और आपको बिल्कुल साफ सुथरा करंट मिलता है। और इससे आप अपनी 12 वोल्ट की बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, और इसे आराम से आप अपनी पावर सप्लाई की तरह भी यूज़ कर सकते हैं 12 वोल्ट की। तो इस तरीके से हम इसे लगा देंगे और जो वायर है उसे सोल्ड कर देंगे। और जो मैंने LED यूज़ की है LED इंटीग्रेशन के लिए, तो मैंने 68K इसमें रेजिस्टेंस लगा दी है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें लगा दिए। और इसमें अब 5 वायर स्लिप चला देंगे जिससे आपस में इसके वायर टच ना हो इस तरीके से। और ऐसे एसी सब जिसमें हम एसी करंट दे रहे हैं जहाँ से, वहाँ से इसे कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैंने इसका वीडियो का लास्ट में डायग्राम भी दिया है, तो आप उसे देख कर उसे बना सकते हैं। तो मैंने इसे बनाने के लिए MDF बोर्ड का यूज़ किया है जिसके मैंने डायमेंशन आपको पूरा इसमें दिखा दिया है वीडियो में, आप देख सकते हैं। और उसे मैंने चिपकाने के लिए फेविकॉल का यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप फेविकॉल से चिपका कर उसका एक बॉक्स बना लें इस तरीके से,
बहुत ही आसानी से बॉक्स बन जाता है। इस तरीके से आपको बना रहना है। और आप इसमें फेविक्विक से भी चिपका सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा चिपक जाता है उससे भी। और इस तरीके से आपको पेंच कस से इसमें दो छेद करना कर लेना है, और यहाँ भी आपको छेद कर लेना है नेगेटिव पॉजिटिव वायर के लिए और यहाँ पर एसी वायर के लिए। तो इसे इसका जो अपना जो बनाया है अपन ने सर्किट, उसको मैं डबल टेप की मदद से इसमें चिपका दूँगा। इस तरीके से आपको चिपका लेना है वायर को निकाल कर। और जो हमने ब्लू वाला जो कैपेसिटर लगाया है 25 वोल्ट 470 माइक्रो फेरेट का, और आप इसे थोड़ा बड़ा वाला लगा सकते हैं, लेकिन इसे छोटा वाला मत लगाना, उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको बॉक्स बनाकर इसे लगा लेना है। मैंने देखिए इसमें इस तरीके से क्लिप लगा दिए हैं, तो अब इसे चेक कर कर देखते हैं कि कितना वोल्टेज निकल रहा है। तो आपको जो इसमें ये थोड़ा करंट मारेगा, तो आप इससे थोड़ा इसको छुए ना, क्योंकि ये निकाल तो डीसी करंट रहा है, लेकिन इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो एसी की तरह होती है, इसलिए ये करंट मारता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो डीसी होता है। इससे आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हो और अपना जो डेली काम भी कर सकते हैं। ये देखिए 13 वोल्ट निकाला है, जो कि बैटरी चार्ज करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आप इसमें ये ध्यान रखें कि आप पहले इसमें क्लिप आपको जो यूज़ करना है उसमें लगा लें, फिर बाद में इसे एसी लाइन में लगाएं। ये देखिए बढ़िया काम कर रहा है अपना पावर सप्लाई, और अब इसे बैटरी भी आराम से चार्ज कर सकते हैं। ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से आप बना सकते हैं फिर। और अगर आपको कुछ